हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, अभी शाम के बजे होंगे 4, शायद क्लियर नहीं पता है, लेकिन 4 ही बजे होंगे। अभी धूप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं है छत पे, क्योंकि ठंडियों का मौसम है, पता है बहुत जल्दी धूप चली जाती है। तो वही मैंने कहा छत से कपड़े ये मैं लेकर नीचे रख देती हूँ जाके, क्योंकि रात में कोहरा पड़ता है, फिर 4 बजे से ही पड़ने लगता है इस समय कोहरा। तो मैंने कहा इनको जो है नीचे रख देती हूँ जाके, जो यहाँ पे सूखे हैं उनको मैं फोल्ड करके रख लूँगी इसी वाले टब में। तो इस टब में रख लेते हैं तो उतारने के लिए, यानी उतारने में आसानी होती है। तो वही देख सकते हैं सभी मैं फोल्ड करके रख। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, अभी बजे हुए हैं शाम के 4:30, और अभी मैं वीडियो पब्लिक करके आई हूँ, और 4:30 बजे मेरा वीडियो आता है, आप सभी को पता होगा। और फ्रेंड्स, छत से कपड़े लेकर आई हूँ नीचे, और वो वहाँ रखे भी दिखाती हूँ। और जाते हैं भी चाय बनाने, शाम की चाय बनेगी। तो मैं दिखाती हूँ ये वाले कपड़े, ये देखिए ये यहाँ पे कपड़े रखे हैं। अभी इनको जहाँ पे सेट करना है अलमारी वगैरह में, वहाँ पे सेट करूँगी। और मैंने कहा आप लोगों से फेस कैमरे बात नहीं की, सुबह बात किया था थोड़ी बहुत, उसके बाद कोई भी बात नहीं की थी। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग में बने रहिएगा, और फ्रेंड्स फुल वॉच करिए, फुल ना करिए तो 3-5 मिनट तो वीडियो देखिए ही, 4-5 मिनट वीडियो देख ले तो सही रहेगा, नहीं तो इम्प्रेशन डाउन जाता है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग में बने रहिएगा और वीडियो एंजॉय करिए। देखते कैसी बना पाती हूँ वीडियो, कितनी बना पाती हूँ। इस समय तो बहुत छोटी वीडियो बन रही है, क्योंकि रेगुलर बना रही हूँ तो कहाँ तक बनाएंगे वीडियो, ये नहीं बन पाती। और शगुन उधर अपना टीवी देख रही है, मैं उसको भी दिखा देती हूँ आपको। वो देखिए वहाँ बैठ के अपना लेट के रजाई में, ये देख, और वो उधर टीवी देख रही है अपना कार्टून। तो चलिए मैं चलती हूँ, चाय बनाती हूँ और पीती हूँ, फिर खाना बनाएंगे, देखेंगे क्या बनाना है, जो बनाना होगा आप लोगों से शेयर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग में बने रहिए। तो फ्रेंड्स, आज जो है इवनिंग टाइम ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। हाँ बोलो। धनिया 5 रुपये। हाँ, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये धनिया लेकर आया है उस घर से, और 5 रुपये घूस से लेगा, तो घूस में ये मिलती है। आजकल खरीदते तो है ही, घर पे लेते हैं वो भी खरीद के ही मिलता है, यानी पैसे दे के, तो इसको 5 रुपीज देना पड़ेगा। देख सकते हैं, ये देखिए धनिया लेकर आया है, और उस वाले घर पे लगी है, तो ये लेकिन ये जाने का 5 रुपीज लेता है, फिर बोल रहा था फिर लाएंगे फिर देंगे। तो चलिए इसकी बनाएंगे शाम को चटनी, देखते हैं शेयर कर पाते कि नहीं, लेकिन आज शाम को चटनी बनेगी। चटनी तो इस समय रेगुलर बन रही है, आज धनिया नहीं थी तो मैंने इसे बोला था ले आना, तो बस पैसे दे के ही लेना पड़ता है, इसके लिए घर पे भी खरीद के ही खाते हैं हम लोग। किसके किसके घर पे खरीद के खाते हैं, यानी कि बच्चों से खरीद के भी खाना पड़ता है। तो चलिए किचन में रख देते हैं इसको और चाय बना लेते हैं। ये देखो एक चोरनी यहाँ है, क्या कर रही है शगुन? ये खाना खाने जा रही है ना, चाव खा ले जाके। दूध चढ़ा दिया है पकने के लिए, और ये चाय मैंने भी जो बनाई थी थोड़ी सी बच गई, इसको भी गर्म करके पी लेते हैं। और ये देखिए चावल भून रहे हैं, क्योंकि आज बनेगा दाल चावल रोटी। और इधर ये देखिए चटनी भी बना के रख दी है, ये देखिए टमाटर और धनिया की चटनी दाल चावल के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। आटा भी सना हुआ रखा है, तो इससे बस रोटियाँ ही बनानी है, चाय पी लेते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके बाद फिर मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाई किचन का, और किचन का सारा काम हो गया, खाना भी सब लोगों ने खा लिया था, और अभी रात का टाइम है। शगुन ने कल मेहंदी लगा देते हैं, क्योंकि उसको जब देखती है इधर उधर कौन पड़ा रहता है मेहंदी, तो फिर वो लगाया करती है, कभी अपने लगा लेती है कभी मेरे लगा देती है, तो वही फिर वो लगा रही थी। मैंने इतनी ही लगवाई थी पीछे ही हाथों में, मैंने कहा नहीं मुझे नींद आ रही है, तो इतनी सी लगाई थी, वही मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कितनी अच्छी लगाई है। लगा लेती है वो ऐसे ही, बस कभी कभी अपने लगा लेती है, जैसे ला के रखती हूँ तो बस वही कभी कभी लगाती, मैं तो इतनी जल्दी नहीं लगाती हूँ। और फ्रेंड्स, अभी देखिए मॉर्निंग का टाइम, और 7:30 बज गए हैं सुबह के, और कितना ज़्यादा कोहरा है देख सकते हैं अभी, और बहुत ज़्यादा ठंडी भी होने लगी है। और लेकिन आज बच्चों को स्कूल भी नहीं जाना था, क्योंकि इस समय छुट्टी चल रही है, जितने यानी जिस दिन की ये क्लिप है उस दिन छुट्टी थी, क्रिसमस के बाद 1-2 दिन छुट्टी थी, फिर अभी 1-2 दिन से स्कूल खुले हैं,
तो देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कोहरा है, 10 बजे 10:30 बजे तक ऐसा ही रहता है। और उसके बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स अभी मैंने सब्ज़ी वगैरह काट के रख दिया है, आराम से ही बनाएंगे क्योंकि बच्चों को स्कूल तो जाना नहीं है। और उसके बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स अभी नहाया नहीं है, अभी मैंने कहा पूरा पहले किचन का कर लेते हैं, चावल वगैरह बिन के रख लेते हैं, तो वही चावल यहाँ ऊपर रखे थे तो वही मैं उतारने लगी, वो गिर गए, देख सकते हैं पूरे किचन में फैल गए, यहाँ देख सकते हैं गैस के ऊपर और जहाँ पे रखे थे वहाँ भी सारे गिर गए थे, बस एक काम मेरा और ज़्यादा बढ़ गया। और इधर देख सकते हैं भूतनी बैठी है, यानी शगुन इधर बैठी है, फ़ोन देख रही है, सुबह सुबह उठ के आई और इसको फ़ोन मिल गया तो वही किचन में बैठ के कि मम्मी वहाँ पे काम कर रही हैं तो चलते वहीं बैठते हैं, तो ये यहीं पे आ गई क्योंकि अभी अभी सो रहा था तो खेलती किसके साथ, तो वही यहाँ किचन पे आके बैठ गई। क्या होता है बच्चे जब सोते रहते, एक सो रहा है तो फिर वो जाएगी कहाँ, तो मेरे ही पास आ जाती है। देख सकते हैं नीचे भी सारा गिर गया है, यहाँ भी मुझे साफ़ करना है देख सकते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ से मैंने थाली उठाई थी वहाँ पे भी कितना सारा गिर गया है, तो अभी सब उठाती हूँ। और फ्रेंड्स चावल वगैरह साफ़ करने के बाद अभी आ गई मैं पोछा लगाने के लिए, झाड़ू भी लगा दिया था वो आप लोगों से शेयर नहीं किया, तो पोछा लगा देते हैं। और पोछा भी लगाना सही रहता है क्योंकि ठंडियों में पोछा लगाने का मन तो नहीं करता लेकिन लगाना तो पड़ेगा ही, साफ सुथरा रहेगा तभी अच्छा लगेगा, घर गंदा रहता है तो फिर अच्छा नहीं लगता, तो मैंने कहा लगा देते हैं। अभी फिर नहाना भी है और उसके बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स कुछ कोई भी ब्लॉग उसके बाद भी नहीं बनाया। और उसके बाद अभी दोपहर का समय है, देख सकते हैं शगुन ने मंगाया था अपने लिए बेल्ट, वो टी शर्ट वगैरह में लगाने के लिए, जीन्स वाले नहीं है, ये टी शर्ट जैसे लॉन्ग वाली टी शर्ट वगैरह पहनते हैं उस पर लगाते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो वही इसके पास जो 2 टी शर्ट अभी महोत्सव से लेकर आई थी उसमें बेल्ट लगाने वाला था, तो इसने कहा मंगा लेते हैं अलग से, ऑनलाइन अच्छे भी मिल रहे थे दोनों एक साथ पेयर में मिल रहे थे, तो इसने कहा यही वाले मंगा लेते हैं किसी भी ड्रेस में पहन लेंगे। तो देख सकते हैं आपको कैसे लगे जरूर बताएगा, मुझे तो सही लगे थे, जिस हिसाब से रेट था वो सही लगे मुझे, तो मैंने कहा ठीक है। सगुन तो बोल रही थी रिटर्न करने के लिए, लेकिन मैंने कहा जो आ गए रहने दो, कभी यूज़ में आ जाएंगे, तो वही लगा के दिखा रही थी। तो बताइएगा कैसे लगे आप सभी को ये दोनों बेल्ट, मुझे तो अच्छे लगे थे, और जैसे रेट हैं वैसे तो बहुत ही अच्छे लगे। और तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।